हाँ भाई, क्या हाल चाल है? आहा, बहुत चंगा ना मैं। देखो, मुझे तो लगता है ये कोर्स ना मेरे लिए तो फेवरेट कोर्स है, रट्टा मार सीरीज। आई होप आप भी इससे काफी चीजें सीख रहे होंगे। मैं इसलिए कह रहा हूँ ये कोर्स मेरा फेवरेट है क्योंकि इसमें मुझे तो काफी लिबर्टी मिलती है कि इनोवेट करूँ चीजों को। और आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है ये कोर्स क्योंकि यहाँ पे मैं चीजें पढ़ाता नहीं हूँ, आपको अलग अलग तरीके से याद ही करवा देता हूँ चीजें। तो राम निकला रे, देव मानुष निकला रे। और जो एग्जाम में खेल क्या है, रिकॉग्निशन क्या है, वो आपको अपने आप करना पड़ता है जी। और आप चीजें रिकॉग्नाइज कब करोगे, जब चीजें आपको याद होगी। तो मेरा मानना ये है कि लर्निंग को फन बना के, मतलब आप एंजॉय करो चीजों को और चीजें आपको याद भी हो जाए, ये चीजें आपको क्या करेगी, कॉम्पिटेटिव एज देंगी और आपका सिलेक्शन इंश्योर करेगी। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना अगला लेक्चर रट्टामार सीरीज के अंदर। आज हम बात करेंगे मुगल एम्परर अकबर की। देखो, अकबर को रियल फाउंडर कहा जाता है मुगल एम्पायर का, ठीक है ना? तो इसके कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं। पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस और इवेंट्स हैं जो अकबर से रिलेटेड हैं वो बताऊंगा, और लास्ट में फिर आपको एक क्रोनोलॉजी याद करा दूंगा कि कैसे अकबर की जो लाइफ में जो इवेंट्स थे वो एक क्रोनोलॉजी के तरीके से कैसे स्टार्ट हुई थी। शाबाश। तो अगर अकबर की बात करें, अकबर वॉज द थर्ड मुगल एम्परर, ठीक है? सो ही वॉज द थर्ड मुगल एम्परर हु रेन फ्रॉम 1556 टू 1605। देखो, रेलवे के एग्जाम हो गए, एसएससी हो गया, स्टेट पीसीएस हो गए, तो इनमें ये डेट्स पूछ लेते हैं। तो आपको कुछ डेट्स याद रखने, 1556 से 1605, ठीक है? और कुछ कीवर्ड्स हैं कि जो, जैसे मनसबदारी सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किया था मुगल के अंदर, अकबर ने। वैसे तो ये सेंट्रल एशिया में ओरिजिनेट हो चुका था लेकिन मुगल्स के अंदर, ठीक है, मनसबदारी सिस्टम कौन लेके आया था, अकबर। तो मनसबदारी कीवर्ड हो गया अकबर से रिलेटेड। रेन हो गया कब से कब तक, 1556 से 1605। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है, इसमें अकबर डिफीटेड हेमू एंड सुर आर्मी, और कब हुआ था, डेट फिर याद रखो, 5 नवंबर 1556, 1556 से 1605, ये हो गया। दूसरा मनसबदारी, सेकेंड बैटल कब था, 5th ऑफ नवंबर 1556। फिर दसाला सिस्टम, ऑल्सो नोन एज जप्ती, तो ये भी आ सकता है कि जप्ती और दसाला सिस्टम, ठीक है? दसाला सिस्टम का दूसरा नाम क्या है, जप्ती। ये भी इंट्रोड्यूस्ड कब हुआ था, फिर डेट देखो आपका, 1580 बाय द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ अकबर राजा टोडरमल। तो अकबर के टाइम पे ही जप्ती सिस्टम या दसाला सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था। किसने किया था, राजा टोडरमल ने, जो कि कौन थे, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ अकबर। इट इज अ लैंड रेवेन्यू सिस्टम। और कई बार ये भी पूछ लेते हैं दसाला सिस्टम किससे रिलेटेड है, तो इट इज अ लैंड रेवेन्यू सिस्टम, सिस्टम ऑफ टैक्सेशन। ये बढ़िया रखो कि दसाला सिस्टम इज अ सिस्टम ऑफ टैक्सेशन, ठीक है? दिन ने इलाही, ठीक है, दिन ने इलाही। फिर पूछ लेगा दिन ने इलाही कौन लेके आया था, तो अकबर का, अकबर ही दिन ने इलाही सिस्टम लेके आया था। अकबर का मानना ये था कि जो डिफरेंट रिलीजन है, ठीक है, उनमें कुछ ना कुछ अच्छाई होती है, ठीक है? तो डिस्पाइट देयर डिफरेंसेस ऑल रिलीजन हैव सर्व सेवरल गुड प्रैक्टिसेस व्हिच इज सॉट टू कंबाइन इनटू अ न्यू रिलीजन। तो सारे जो रिलीजन है, डिफरेंट रिलीजन है, उनकी अच्छाइयां लेके एक न्यू रिलीजन अकबर ने प्रोपाउंड किया था, उसका नाम है दिन ने इलाही। और अकबर के टाइम पे जो उसके कोर्ट्स में हिस्टोरियन थे अबुल फैजल, उन्होंने दो किताब लिखी थी, अकबरनामा और आयने अकबरी, ये आपको याद रखना है। तो फिर अगेन कीवर्ड्स बता रहा हूँ आपको, डेट याद रखो अकबर के टाइम 1556 से 1605 तक था, मनसबदारी सिस्टम, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, डेट 5th ऑफ नवंबर 1556, दसाला सिस्टम और दिन लाई, ये सब क्या है, अकबर के टाइम पे। ये होगी बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब करते हैं चीजें याद। ये देखो अकबर की क्रोनोलॉजी और ईयर, किस किस साल में अकबर ने क्या काम किया, आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। अब इस क्वेश्चन, ये जो अकबर से रिलेटेड है, इसमें क्वेश्चन कैसे आ सकता है आपके, या तो पूछेंगे हु ब्रोट, कि ये सिस्टम कौन लेके आया भाई, दसाला सिस्टम कौन लेके आया, ठीक है, मनसबदारी सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किया, तो हु ब्रोट। सेकंड, ऑर्डर ऑफ क्रोनोलॉजी बता देंगे, चार पांच इवेंट दे देंगे, ऑर्डर लगाओ सबसे पहले कौन सा था, सबसे बाद में कौन सा आया। थर्ड, मैच द फॉलोइंग दे देंगे, इस साल में ये हुआ है। अगर आपको ऑर्डर याद होगा तो आप मैच द फॉलोइंग भी कर पाओगे। अब देखो मैं आपको एक कोड बताता हूँ अकबर के रिलेटेड, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो कोड है आपका, अकबर के एसीपी ने जजिया एबोलिश किया और घर जाकर एफएम सुनने लगा, ठीक है, आईएमडी ने बताया कि डिजास्टर आने वाला है। अब देखो अकबर का जो एसीपी था ना, एसीपी आजकल जो होते हैं, ठीक है, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, ऐसे याद कर लो। तो अकबर के एसीपी ने क्या किया, जजिया को एबोलिश कर दिया। तो एक बार जजिया को तो उसने एबोलिश कर दिया आराम से, और घर जाके रिलैक्स करने लगा, और फिर क्या करते हैं, एफएम सुन रहे हैं घर पे जाके, ठीक है, आराम से अपना रिलैक्स कर रहा है, आराम से सो रहा है और एफएम सुनने लग गया। अब एफएम पे क्या हो गया, आकाशवाणी होगी, आकाशवाणी में आईएमडी ने बताया, इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने बताया कि भाई डिजास्टर आने वाला है, कहाँ तू दसाला सिस्टम एबोलिश करके आ गया, ठीक है।
तो अगेन कोड याद रखो, अकबर से रिलेटेड, अकबर के एसीपी ने क्या किया, जजिया एबोलिश कर दिया। अकबर के एसीपी ने जजिया एबोलिश किया और घर जाकर आराम से एफएम सुनने लगा, जिसपे आकाशवाणी हुई और आईएमडी ने बताया कि डिजास्टर आने वाला है, जो तो काम करके आया उससे डिजास्टर होगा। ठीक है, तो अब देखो कैसे कोड रिलेट करेंगे हम। अकबर के एसीपी ने, एसीपी ए से होएगा आपका अजमेर, तो पहली इवेंट, ठीक है, अकबर के क्रोनोलॉजी में अजमेर करो, 1562 विजिटेड अजमेर फर्स्ट टाइम, तो एसीपी ए से होगा आपका अजमेर। ठीक है, सी से कन्वर्जन, ठीक है, बैन ऑन फोर्सिबल कन्वर्जन ऑफ वॉर प्रिजनर्स इनटू स्लेव्स, तो कन्वर्जन पे बैन लगा। ए सी पी, अबोलिशन ऑफ पिलग्रिमेज टैक्स, पी से याद रखो पिलग्रिमेज टैक्स। ठीक है, फिर आएगा अकबर के एसीपी ने जजिया, ठीक है, जजिया को एबोलिश किया, तो अबोलिशन ऑफ जजिया। फिर उसके बाद क्या, घर जाके एफएम सुनने लगा, एफ से क्या आएगा, फाउंडेशन ऑफ फतेहपुर सिकरी, तो एफ से याद रखना फतेहपुर सिकरी। एम से क्या आएगा, आपका मनसबदारी सिस्टम, फिर आपका मनसबदारी सिस्टम, पहले देखो मनसबदारी सिस्टम आएगा, तो पहले एम से आएगा मनसबदारी सिस्टम, और फिर उस पर एफएम सुनने लगा, तो आईएमडी ने रिपोर्ट दी थी, ठीक है, कि डिजास्टर आने वाला है, पहले आई से क्या आएगा आपका, इबादत खाना वाज बिल्ट, फिर एम से मजार, तो पहले देखना मनसबदारी सिस्टम आया था, फिर मजार बाद में आएगा, प्रोक्लामेशन ऑफ मजार रिटन बाय फैजी, और ये भी देख लो मजार किसने लिखा है, फैजी ने लिखा है। उसके बाद है आईएमडी, डी से दसाला सिस्टम, दसाला बंदोबस्ती इंट्रोड्यूस्ड, बताया कि डिजास्टर आने वाला है, डी आई, ठीक है, तो डी आई है यहाँ पे और यहाँ डी खाली था, तो डी से आई से दिन ए इलाई, डी आई देखो दिन ए इलाई, डिड नॉट बिकम, जो दिन ए इलाई बताया था ना आपको, यार आपको कि नया रिलीजन है जिसमें सारे रिलीजन की गुड प्रैक्टिसेज हैं, पर ये ज्यादा पॉपुलर हो ही नहीं पाया। अगर हिंदूज की बात करें तो बीरबल वॉज द ओनली पर्सन हिंदू हु ज्वाइंट दिस, ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि कौन से हिंदू ने जो ये आपका एडॉप्ट किया था दिन ए इलाई, तो बीरबल वॉज द ओनली हिंदू हु एडॉप्टेड इट। अगेन देखो, फिर अगर आपको कुछ नहीं करना, अकबर की अगर लाइफ के बारे में बात करनी है, तो ये सब याद कर लो कोड, अकबर के एसीपी ने जजिया एबोलिश किया, ठीक है, और घर जाके आराम से एफएम सुनने लगा, ठीक है, और एफएम पे क्या न्यूज आई, या सॉरी एफएम पे आपको क्या आकाशवाणी हुई, कि आईएमडी ने कहा भाई डिजास्टर आने वाला है, क्या करके आ गया। अब अगेन ए से आपका क्या, अजमेर, अकबर के एसीपी ने, सी से कन्वर्जन, पी से पिलग्रिमेज, जे से जजिया, से जजिया हो ही गया था, फिर एफएम सुन रहा था, एफ से फतेहपुरी, फतेहपुर सिकरी, ठीक है, एम से पहले बताया पहले मनसबदारी आएगा, मनसबदारी, आईएमडी देखो आई से इबादत खाना, एम से मजर, डी से दसाला सिस्टम, और डी आई डिजास्टर से दिन ने इलाई, सारा आपका क्रोनोलॉजी हो गया याद। ऐसे आपको तरीके से याद करना है। अब अकबर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा, आप आराम से उसको आइडेंटिफाई कर पाओगे और अपना आंसर को ठीक करोगे। ऑल द बेस्ट। खत्म।